पूजा का विधान क्या होता है? पूजा ये महात्म्य है, हम लोग में सबसे ज्यादा छठ मैया का पूजा होता है। छठ मैया को तैयारी कितनी देर पहले शुरू होती है? एक हफ्ता पहले तैयारी हो जाती है। लेडीज कर देने मन्नत मांगते हैं सूर्य देव के अगे, जो उन्हों की मन्नत पूरा होता वा तो छठ पूजा कर देने। ये पूजा विधि विधान बड़े स्वच्छता तरीके ने मनाया जाता, घर की सफाई की जाती है। ये यानी मीट मछली का कोई एक हफ्ता पहले ही वारिया जाता, पूरी घरे पूरी सफाई होनी चाहिए है। व्रत में खाली बस एक ही रोज जो पहला व्रत होता है उस रोज खाते हैं मीठा चावल और रोटी, बस वही खाए हुए रह जाते हैं। फिर एक के बाद जब निस्तार होता है व्रत उस रोज खाते हैं। दो दिन फिर आपने खाना नहीं है, पानी और कुछ भी नहीं पिया जाता है। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं विशाल कपूर। लुधियाने की गल की है, लुधियाने 7 तरीक की छठ पूजा हैगी। छठ पूजा तो बाद जी तैयारियां जी लगातार शुरू है, छठ पूजा समान जोड़ा वै वो जरा वेचना शुरू हो चुका है। तुम दस दिए छठ पूजा के सूरज देव में देखी है, तो उस तो बाद जी पूजा करी दी है, तो तस्वीर दिखाई जा रही ने कि जो तस्वीर तुम दिखाई जा रही छठ पूजा की तस्वीर है। लेकिन गलबात भी है, छठ कि तरीक की है? छठ 7 तरीक की है। छठ च होंगे की है? छठ दे सूर्य देव में पूजा जाता है जी। अच्छा, शामी दे अर्घ दिता जाता, तो सवेर 4-5 बजे अर्घ दिता जाता है। अच्छा, हाँ जी। पूजा विधि विधान की होंगे? ये पूजा विधि विधान बड़े स्वच्छता तरीके ने मनाया जाता, घर की सफाई की जाती है। ये यानी मीट मछली का कोई एक हफ्ता पहले ही वारिया जाता, पूरी घरे पूरी सफाई होनी चाहिए है। खोंडिया बनाया जो पानी होंगे की महत्व होंगे? उसके विच मतलब यह होंगे कि ठंडे पानी के अर्घ दिता जाता है। अच्छा, अर्घ अर्घ जिहड़े हाँ दीवे जी, अर्घ दिता जाता। फिर अर्घ देने तो बाद अगले दिन तो फिर सवेर में भी उही चुनदा आ, अर्घ दिता जाता सवेरे सवेरे पानी ठंडे पानी के खड़िया जाता है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन इधर आओ एक मिनट, छठ पूजा के किस चीज़ के काम आती है ये? छठ पूजा में काम आती है। ये किस लिए काम आती है? ये आती है कि घर परिवार दुख हो जाता है, सुख के लिए होता है। क्या क्या डालते हैं? ये फल फूल डालते हैं, सारे फल फूल। तो अर्पण किसको किया जाता है? सूर्य देव के। अच्छा, ये एक वस्तु होता है जो हम उनको दिखाते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये वस्तु होता है उनको चढ़ाने के लिए जी। तो नारियल और सूखे नारियल, गीले नारियल का क्या है मतलब? ये सब उनको चढ़ता है जी, सूर्य देव को। सब उनको सूर्य देव को जी। लेकिन दादी ये तैयारियां के है, नारियल जेडे सूर्य देव को चढ़ाए जाते हैं, अर्पण किए जाते हैं। हाँ जी। किस तरह विधि की होंगी है? जिदा अरे वैसे किया जावे तो काफ़ी कहते हैं ध्यान रखना पैंता है, हफ्ता पहले मीट मछली सब कुछ छड़ दिता जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हफ्ता पहले मीट मछली छड़ना पैंता वा। हाँ जी। ये कौन करता छठ पूजा? वैसे कौन? ये लेडीज करते ने, जो मन्नत मांगते हैं सूर्य देव के अगे, जो उन्हों की मन्नत पूरा होंगे वा तो छठ पूजा कर देने। हाँ जी। व्रत भी होंगे? हाँ जी, हाँ जी, 3 दिन का होंगे। 3 दिन का व्रत होंगे लेडीज रखती हैं व्रत? हाँ जी, हाँ जी। व्रत का महत्व की होंगे? महत्व वही है जिमें आप कोई चीज़ कबूल कर लिया पूरा हो जाता वो करके फिर व्रत रख के करते। फिर 7 तरीक न लगातार समान जो बिकता 7 तरीक तक बिकेगा? हाँ जी, 7 तरीक तक बिकेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਟੀ ਮਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਨ ਛੱਟੀ ਮਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੱਟੀ ਮਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਛੱਟੀ ਮਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ? ਸਭ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੱਟ ਮਈਆਂ ਕੋ। ਪਿਆਰਾ ਕਿਆ ਛੱਟ ਮਈਆਂ ਕੋ? छठ मैया तो सब श्रृंगार पटार जितना सब सामान लगता है इसमें, सारा लगता है। हाँ, सब। तो इसका विधि क्या होती है, व्रत की कैसे? व्रत आप रखते हो? कभी रखा व्रत? नहीं, किसी से करवाते हैं, हम नहीं रखते हैं। अच्छा, किसी से करवाते? हाँ, जैसे व्रत जो रखता है ना उससे पूजा करवाते हैं हम सब। अच्छा, तो पानी का उसका मतलब क्या है? वो वहाँ जाते हैं बहुत दूर, सतलुज जाते हैं हम सब। लेकिन तो तस्वीर दिखा रहे हैं ताजपुर रोड के उत्ते छठी मईया का जरा व्रत जरा रखा जाता, अगर कोई दुआवं पूरी होंगे उस तो बाद व्रत जरा तोड़िया जाता वा तो पूजा की जाती है। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो चूड़ियाँ बेच रहे हो छठी मईया की होती हैं? हाँ, छठी मईया की होती है। अच्छा, क्या पूजा का विधान क्या होता है? पूजा ये महात्म्य है, हम लोग में सबसे ज्यादा छठ मैया का पूजा होता है। छठ मैया को तैयारी कितनी देर पहले शुरू होती है? एक हफ्ता पहले तैयारी हो जाती है। एक हफ्ता पहले तैयारी होती है। जैसे ये सूर्य देवता है, मेरे सामने सूर्य देवता है, तो इनको अर्पण क्या क्या किया जाता है?
सारे फल सारे की कह सामान लहठी चूड़ी सिंगार का जितना भी सामान होता है सभी करते हैं। हाँ हम लोग रखते हैं। कितने, कितने साल से रखते आ रहे हो छोटी मैया का व्रत? आप बात करूं तो कितने साल से रखते आ रहे हो? 10-15 साल से हो गया रखते हुए। व्रत रखते हुए हाँ। आस पूरी हुई? आस तो बहुत पूरी हुई है, ऐसा बात नहीं है। मतलब व्रत क्या, जैसे 3 दिन का व्रत ये होता है, 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू हो जाता है, क्या क्या खाते इस व्रत में? व्रत में खाली बस एक ही रोज जो पहला व्रत होता है उस रोज खाते हैं मीठा चावल और रोटी, बस वही खाए हुए रह जाते हैं। फिर एक के बाद जब निस्तार होता है व्रत उस रोज खाते हैं। तो 2 दिन फिर आपने खाना नहीं है? नहीं, पानी और कुछ भी नहीं पिया जाता है। पानी भी नहीं पिया जाता? नहीं, कुछ ये नहीं। मतलब जैसे करवा चौथ का व्रत होता है तो शाम को पारण कर लेते हैं ना, उसमें बिहान हो के करना है 10-11 बजे पारण। हाँ काफी टफ होता है, कष्ट भी होता है, पानी में खड़ा होते हैं वो भी कष्ट ही है। अंदाज दिए कि एक जिदा तीजा व्रत है, पहले व्रत ही सवेरे मिठा चीज़ा खानी है, उस तो बाद कुछ तुम 2 दिन तक नहीं खा सकते हो। जी तुम देख दौ छठी मैया का जी पूजा जी हो रही है वो बाजारा च कि रौनक है तुम देख रहे हो, लेकिन एक्सकलूसिव रिपोर्ट इस करके दिखाई है कि छठ पूजा जी 7 तरीक न 7 तरीक तो पहले तैयारियां, तो तैयारियां के सुने कि व्रत जो रखा जाता है, व्रत रखने के विधि विधान की होंगे वो भी तुम सुने। बने रहो लुधियाना लाइव के, लुधियाना कैमरामैन धर्मे विशाल कपूर, लुधियाना लाइव।